सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जबरदस्त से चिकन लेग पीस बनाना सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करती चलूं कि हमने एक न्यू वीलॉगिंग चैनल राना दी लेमन के नाम से स्टार्ट किया है, जिसमें आप हमारी डेली रूटीन जान सकते हैं। इसका लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वीडियो के लास्ट पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि चिकन लेग पीस को बनाने के लिए हमें कौन से मसाले जो हैं वो दरकार होंगे। इसके लिए मैंने प्योर होममेड मसाले इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो किसी भी अच्छी कंपनी का मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने ये दो लेग पीस लिए हैं। इसको हमने क्या करना है, नाइफ के साथ यूं कट लगा लेने। इससे ये होगा कि जो मसाला है वो अच्छी तरह इसके अंदर रच जाएगा। इस तरह कट्स लगाने के बाद आपने इसको छोड़ना है। ये मैंने चाट मसाला लिया है, ये मैंने एक चम्मच चाट मसाले का इस्तेमाल करना है, एक चम्मच मैंने सूखा धनिया पीसा हुआ इस्तेमाल करेंगे, एक चम्मच जो है वो हमने सुर्ख मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करना है, नमक हसबे जायका लेकिन मैं आधा चम्मच इस्तेमाल करूंगी, गरम मसाला पाउडर हाफ टेबल स्पून, काली मिर्च हाफ टेबल स्पून, और जो हल्दी है ये भी हमने हाफ टेबल स्पून लेनी है। इसके बाद लीमू लेंगे इसका रस, और साथ में एक प्याली दही। अब मैं इनको मैरिनेट करूंगी। मैंने एक ये खुला बर्तन लिया पैन, अब इसके अंदर मैं सबसे पहले दही शामिल करूंगी, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला पाउडर, गरम मसाला, सूखा धनिया पीसा हुआ, सुर्ख मिर्च और नमक। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, थोड़ी सी जो है वो दही मैं और शामिल करूंगी, ताकि इसकी जो है वो अच्छा सी पेस्ट बन जाए। इसके बाद अब हम इसके अंदर जो है वो लेमन का रस शामिल करेंगे। आपने फ्रेश लेमन का रस इस्तेमाल करना है। अब हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। अभी इस तरह हमने चिकन का पीस ले लेना है और इसको अच्छे से जो है वो मैरिनेट करते जाना है हमने। इसी तरह मैं दूसरा लूंगी। ये देखें, अब मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है। ये देखें जी, ये मैरिनेट हो चुका है। ज्यादा बेहतर रिजल्ट के लिए कोशिश करें कि पूरी रात रखें, वरना ये 3-4 घंटे में भी अच्छा खासा मैरिनेट हो जाता है। अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ देंगे।
उम्मीद करते हैं हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो गए। तब तक हमें इजाज़त दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।